ये है हरियाणा के जिला सिरसा का गांव डींग। आज यह गांव एकदम साफ और स्वच्छ है। कुछ समय पहले तक इस गांव में चारों तरफ गंदगी ही गंदगी थी। बरसों पुरानी आदत के चलते कुछ लोग शौच के लिए बाहर जाया करते थे। एक दिन डीआरडीए सिरसा की संपूर्ण स्वच्छता अभियान की टीम ने गांव का दौरा किया। उन्होंने गांव वासियों को इकट्ठा करके गंदगी से होने वाली बीमारियों और परेशानियों के बारे में जागरूक किया। गांव वालों ने स्वच्छता के महत्व को समझा और कुछ ने तो अभियान से जुड़ने का मन ही बना लिया। देखते ही देखते स्वच्छता अभियान की लहर पूरे गांव में फैलने लगी। बच्चों ने स्वच्छता रैली निकालकर गांव में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा की। स्वच्छता अभियान से जुड़े कुछ सदस्य सफाई में तो कुछ निगरानी में जुट गए कि कोई बाहर शौच न जाए। जो जाते उन्हें प्यार से समझाया जाता। आप लोगों को जाने से रोकते थे? कैसे? कि बाहर जाने से बीमारियां फैलती हैं। हमें से कोई नहीं जाता आपके गांव में। अब कैसा लग रहा है आपको अपना गांव? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको अपना गांव? बहुत अच्छा। खुश हो? हाँ जी। और हमें अपने घर में मटके डंडे वाले बर्तन का प्रयोग करना चाहिए और खाना खाते समय अच्छी तरह साबुन से हाथ धोना चाहिए। कितने लोग जाते थे आपके गाँव के पहले बाहर शौच के लिए? पहले आधे से ज़्यादा लोग जाते थे, लेकिन अब उनको रोकने के बाद वो बाहर अब कभी नहीं जाते। जब आपने लोगों को मना किया तो उनमें कोई गुस्सा भी आया? नहीं, एक आध लोगों को आया होगा गुस्सा, पर अब समझ गए। अब कोई नहीं जाता। कैसा लग रहा है आज की तारीख में आपको? अच्छा लग रहा है जी। क्यों अच्छा लग रहा है? स्वच्छता के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए स्वच्छता हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब ये स्वच्छता वाले आए, उससे पहले आपको पता था कि बाहर शौच जाने से कितनी दिक्कतें होती हैं? हाँ जी। आपने कभी सोचा नहीं था कि हम लोगों को मना करें? नहीं जी, पहले कभी नहीं सोचा था। इनके आने के बाद आप में जागरूकता आई? हाँ जी। तो आपने जब लोगों को मना किया तो वो आराम से मान गए कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी? थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी पर मान गए। वो एक बार पहले भी स्वच्छता वाले आए थे, उन्होंने बताया था। आज की तारीख में अब कोई नहीं जाता आपके गाँव में? नहीं जी। तो कैसा लग रहा है आपको अपना गाँव? अच्छा लग रहा है जी। खुश हो? कुछ लोगों का तो रिएक्शन था कि उन्हें बाहर जाने से ना रोका जाए, लेकिन जब उन्हें बात समझ में आने लगी धीरे धीरे, जब वो समझने लगे कि इनसे बीमारियां लगती है, तो उन्हें मतलब वो मान गए। एक बार तो लोगों को गुस्सा हुआ, लेकिन अब वो मान गए। उन्होंने कहा भाई, उनको बाद में पता लग गया था कि इनसे कितनी बीमारियां फैलती, और वो बाद में मान गए। कैसा लग रहा है आज की तारीख में आपको अपना गाँव? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्योंकि आज आपने स्वच्छता अभियान के बारे में आज हमें बहुत कुछ बताया, इसलिए टॉयलेट के बारे में बताया कि खुले में बाहर नहीं जाना चाहिए। खुले में बाहर जाने से कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। आज की तारीख में ये गांव आपको कैसा लग रहा है? आज की तारीख में ये गांव जो है ना, स्वच्छता के रूप में पूर्ण रूप से जागरूक है, जिससे कि हमारे यहाँ आने वाली जनरेशन के ऊपर जो जैसे पोलियो वगैरह की ग्रस्त बीमारियों से जिससे पीड़ित होते हैं, उससे बचेगा पूरा। कैसा लग रहा है आपको ये गाँव? आगे से तो काफी स्वच्छ अच्छा लग रहा है। गांव आज की तारीख में पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त है? मुक्त है बिल्कुल। पहले कितने लोग जाया करते थे? 15-20% तो लोग जाया करते जी पहले जी। तो फर्क जब हुआ गांव में, तो अब कैसा लग रहा है आपको अपना गांव? बढ़िया लग रहा है जी, तो फर्क तो है ही उसका जी। आपको लगता है कि निर्मल ग्राम पुरस्कार भी आपके गाँव को मिल सकता है? मिलेगा जी, जरूर मिलना चाहिए हमें जी। आज यह गाँव पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त है। सभी घरों में बने शौचालयों का इस्तेमाल करने लगे हैं। स्वच्छता का महत्व समझ चुके गांववासी सुंदर और स्वच्छ वातावरण में रहने लगे हैं। नया साल इनकी जिंदगी में नया सवेरा लेकर आया है।